हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के लिए ये मैथ का पार्ट फोर है। इससे पहले मैं थ्री पार्ट अपलोड कर चुका हूं, जिनकी एक प्लेलिस्ट बना के अलग से मैंने लिंक भी नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप उन्हें देख सकते हैं। किसी भी वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप उसको ज्वाइन करके और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जो दोस्त अब तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके खुद भी जुड़िए और अपने सभी दोस्तों को बताइएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा, बेल आइकन ऑन रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। मैथ का 2 से 3, रीजनिंग 9 से 10 और जीके का लाइव टेस्ट होता है डेली रात को 11 बजे। और देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आरपीएफ एसएससी जीडी हरियाणा एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक भी जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अगर समझ में आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई कार के आगे एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि उस कार के बस को पकड़ने में 15 मिनट लगते हैं तो वह दोनों कितने किलोमीटर की दूरी पर हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा समझाने की कोशिश की है। एक बस आगे आगे चल रही है जिसकी स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसके पीछे एक कार चल रही है जिसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे हमें देखिए दो चीज़ें दी गई हैं। स्पीड दे दी गई, इसका मतलब स्पीड का जो डिफरेंस होगा वो तो हमारी चाल हो जाएगी भाई। ये इससे कितना किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रही है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये कार जो है ये इस बस को कितनी देर में क्रॉस कर लेती है, पकड़ लेती है? मतलब यहाँ पे बोला गया कि चल रही है कार के आगे एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि उस कार को बस को पकड़ने में 15 मिनट लगे, यानी कि पकड़ने का मतलब है ये इसको रीच कर गई, इसको पकड़ लिया कितने में? 15 मिनट में। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें मिल गई, चाल कितनी मिल गई? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इससे 20 किलोमीटर प्रति घंटा एक्स्ट्रा चल रही है, और समय मिल गया हमें 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट को घंटे में बदलेंगे कैसे? 15 को 60 से डिवाइड कर लेंगे, तो इसका मतलब हमें 15/60 घंटे, ये तो समय मिल गया, और ये मिल गया आपको कितना, ये इस चाल मिल गई। अब चाल बराबर क्या होते हैं? दूरी बटे समय। अगर आपको इन तीनों चीज़ में से दो चीज़ें पता है तो आप तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या निकालना है आपको? दूरी निकालनी है। चाल आपको पता है, समय आपको पता है, तो इजीली निकाल लेंगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों चीज़ में से अगर दो चीज़ें आपको पता है तो तीसरी निकल सकती है। ठीक है, चाल कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक्स्ट्रा चाल है ना, इस एक्स्ट्रा चाल की वजह से ये 15 मिनट में इसको क्रॉस कर लेती है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? 20। चाल कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम कितना ले रही है? समय कितना ले रही है? 15/60 हो जाएगा, क्योंकि ये मिनट है। मिनट ना तो आपकी किलोमीटर प्रति घंटे के साथ में आती है और ना मीटर पर सेकंड के। ठीक है, तो इसको घंटे में बदल लेते हैं, क्योंकि चाल हमारी दे रखी है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि घंटे के हिसाब से। तो 15/60 करा, और यहाँ पे आप दूरी को मान लेंगे एक्स। ठीक है, जब इस तरीके से होता है तो 60 तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 20/60x/15 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इस तरीके से, तो कितना आएगा? 20/15 एक तरफ हो जाएगा और 60 एक तरफ हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 20/15/60, 20 से 60 जाएगा 3 टाइम और 3 से 15 जाएगा 5 टाइम, तो एक्स कितनी आ गई? 5 किलोमीटर। यानी कि ये कितनी दूरी है इनके बीच में? ये थी आपकी 5 किलोमीटर की दूरी। आशा करता हूँ कि ये तो पूछा गया है, तो वह दोनों कितने किलोमीटर की दूरी पर हैं? तो ये अभी कितने हैं? 5 किलोमीटर की दूरी पर है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपको चाल भी पता चल गई थी, टाइम पता चल गया था, तो डिस्टेंस आप इजीली निकाल सकते थे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसको एक कॉम्प्लिकेटेड नज़र से देखेंगे तो ये हार्ड भी बन सकता है। तो कैसे देखना है इसको मैं आपको बताता हूँ। ए और बी दो दौड़ की एक प्रतियोगिता में शामिल हुए। जब ए ने 400 मीटर की दौड़ समाप्त की, तब बी उससे 20 मीटर पीछे था। दोनों की चालों में अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें क्या पता है? दोनों की चाल हमें पता चल गई। ये 400 मीटर दौड़ता है एक समय में, यानी कि वो समय कुछ भी हो सकता है, एक घंटा मान लीजिए, 10 घंटे मान लीजिए। ये दोनों, यानी कि समय दोनों को सेम दिया गया, तो समय से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे यही चीज़ समझने की है। ये 400 मीटर दौड़ता है और ये उससे 20 मीटर कम दौड़ता है, यानी कि 380 मीटर दौड़ता है उसी समय में, जो जितना समय इनको दिया गया है। तो मान लीजिए ये तो है पूरी 400 मीटर की एक रेस। यहाँ से ए ने दौड़ना स्टार्ट किया, ये 400 मीटर कवर कर गया। उसी समय में इसने कितना दौड़ा? 20 मीटर कम, यानी कि ये यहीं पे ही है अभी तक। तो इसके इनकी दोनों की स्पीड आ जाएगी, चाल का रेशो आ जाएगा। ये पूछा गया है कि दोनों की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको समय से कोई मतलब नहीं है कि ये कितने घंटे दौड़े हैं या कितने मिनट दौड़े हैं। यहाँ पर हमें ये 400 दौड़ा है उसी समय में, और ये उतने ही समय में 380 मीटर दौड़ा है। तो यहाँ से इनका ये काट दीजिए 0 से 0,
और 2 से कट करेंगे 20 और 2 से कट करेंगे 19, तो स्पीड का रेशो ये आ जाएगा। तो कई बार इस तरीके का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पाइप टंकी से, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। अभी एलपी टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है, वहाँ पे भी पाइप एंड टंकी और आपका टाइम एंड वर्क से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये अल्टरनेटिव डेज वाले बारी बारी वाले भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एक बार देख लेते हैं, एक बार देखेंगे तो आपकी दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। टाइम एंड वर्क में भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे भी आप इसको कर लेंगे। दो पाइप ए तथा बी किसी टंकी को क्रमश 6 मिनट तथा 7 मिनट में भर देते हैं। यदि दोनों पाइप बारी बारी से 1 मिनट कार्य करके तथा पहले ए को खोले तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे ए जो है वो 6 मिनट में भरता है, बी है 7 मिनट में भरता है। अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लें कितना आ जाएगा, 42। ये 42 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा उस टैंक की कैपेसिटी। कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी है, 42 यूनिट, यानी कि उस टैंक में 42 यूनिट पानी ही आ सकता है। और इस 42 यूनिट पानी को ए तो 6 मिनट में भर देता है और बी 7 मिनट में। तो यहाँ से एक एक मिनट का वर्क भी हम निकाल सकते हैं। ए जो पाइप है वो 1 मिनट में कितना भरेगा, तो 42 को अगर आप 6 से डिवाइड कर देंगे तो ए 1 मिनट में 7 यूनिट पानी भरेगा, और 42 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो बी 1 मिनट में 6 यूनिट पानी भरेगा। तो एक दिन में वन मिनट, यानी कि 1 मिनट में ये दोनों मिलकर कितना भर देंगे, 7 और 6 कितना होगा, 13। तो 13 यूनिट पानी 1 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक एक मिनट का वर्क है ये इनका, तो एक एक मिनट में दोनों 13 यूनिट पानी भर सकते हैं। बट क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है, यदि दोनों पाइप बारी बारी से 1 मिनट कार्य करके तथा पहले ए को खोले तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे बोला गया है कि बारी बारी खोला जाए, अल्टरनेटिवली खोला जाए, पहले ए खोला जाए फिर 1 मिनट चलाया जाए, उसके बाद बी खोला जाए फिर 1 मिनट चला जाए, फिर ए खोला जाए फिर वो 1 मिनट चला जाए, यानी कि एक ही मिनट पानी चलाना है। यानी कि जो इस 13 यूनिट पानी को ये भर सकते थे कितनी मिनट में, 1 मिनट में, अब इस 13 यूनिट को भरने में लगेगा 2 मिनट। ये देखिए, सॉरी, इसके लिए मैंने गलती से यहाँ पे डे लिख दिया है, ये क्योंकि टाइम एंड वर्क वाली थोड़ी सी उसकी सोच से मैंने इनको डे लिख दिया, मिनट होगी। ठीक है, ये इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे 13 यूनिट पानी ये 1 मिनट में भर सकते हैं, ये 1 मिनट में भर सकते थे बट यहाँ पे अब 2 मिनट लगेंगे इनको यहाँ पे भरने में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस 13 का एक ऐसा टेबल पढ़ना है जो 42 से कम रहे, बस आपको ज़्यादा नहीं जाने देना है। ये वैसे मैंने बहुत बार आपको पहले भी करा चुका हूँ क्वेश्चन, जो बच्चे रेगुलर वीडियो देखते होंगे उनको एकदम रिकॉल हो जाएगा और अच्छे से याद भी आ जाएगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम करते थे। तो 39 का हम क्या करेंगे, 13 थ्रीजा कितना होगा आपका, 13 थ्रीजा होगा 39। तो यहाँ पे 42 से कम है, ज़्यादा तो नहीं है, तो इसका मतलब ये रिमेनिंग कितना बचा, 3 यूनिट रिमेनिंग बचा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 13 थ्री जा 39, जो ये 3 आया है इसमें आपको 2 की मल्टीप्लाई करनी है। 2 की मल्टीप्लाई क्यों करनी है, क्योंकि जो 13 यूनिट पानी है ये 1 मिनट का नहीं है, ये 2 मिनट का पानी है। तो जितना भी आप समय लगेगा यहाँ पे, जो 3 आया है ये 3 मिनट लगे हैं, इसका डबल कर दीजिए, ये 3 नहीं है 6 मिनट लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया 6 मिनट, तो पूरे लगेंगे ही लगेंगे। फिर जो बचा रिमेनिंग 3 यूनिट वर्क, इसको करने कौन आएगा, जिसने वर्क स्टार्ट किया था, ए पाइप ने पहले सबसे पहले वर्क स्टार्ट किया था। तो ए पाइप तो 1 मिनट में 7 यूनिट पानी भरता है, तो 3 डिवाइड बाई 7, तो कितना हो जाएगा, 6 कंप्लीट 3/7 मिनट लगेंगे पानी भरने में। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन है बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है सारे के सारे, इस टाइप के अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर इस टाइप के आप कर लेते हैं तो इससे नीचे के क्वेश्चन जितने भी होंगे, इस टाइप से नीचे के क्वेश्चन जो होंगे वो आप सारे कर लेंगे। एक बार क्वेश्चन को आराम से समझ लीजिए बस। दो पाइप एक टंकी को क्रमश 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, तथा तीसरा पाइप इस भरी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, 4 घंटे में खाली कर सकता है। खाली टंकी में ये पाइप क्रमश 8 बजे, 9 बजे प्रात, 11 बजे प्रात खोल दिए जाते हैं, टंकी कितने बजे खाली होगी। खाली पूछा गया है, खाली क्यों पूछा गया है, क्योंकि ये 15 घंटे में भरता है ए पाइप, दूसरा पाइप उसको 12 घंटे में भरता है, और जो तीसरा पाइप है, जो सी पाइप है, मान लीजिए ए बी सी है, और तीसरा पाइप उसे 4 घंटे में खाली कर देता है। इसका मतलब इसकी स्पीड जो खाली करने की है इन दोनों से बहुत कई गुना ज़्यादा है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप समझ गए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए इसको 15 मिनट में भरता है, बी इसको 12 मिनट में भरता है, और सी जो है उसको 4 घंटे में खाली कर देता है। तो इन सभी का ले लीजिए एलसीएम, एलसीएम आ गया 60, और 60 क्या है,
यहाँ पे 60 आ गया टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, उस टैंक में 60 यूनिट पानी आ सकते हैं। यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, आपको समझ में आ भी गई होगी। यहाँ से हम निकाल सकते हैं एक एक यूनिट, एक एक घंटे का वर्क, यानी कि एक घंटे में ए पाइप कितना यूनिट पानी भरेगा। तो 60 को अगर हम 15 से डिवाइड कर दें, क्योंकि ये ए जो पाइप है इस 60 यूनिट पानी को 15 घंटे में भरता है, तो एक घंटे में कितना भरेगा, 60 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो ए भरेगा 4 यूनिट पानी एक घंटे में। ऐसे बी भरेगा एक घंटे में 5 यूनिट पानी, और सी जो है वो अकेला 15 यूनिट पानी एक घंटे में निकाल देगा। तो इसका मतलब देखिए कितनी जल्दी से ये टैंक को खाली कर सकता है। बट यहाँ पे क्या है, अलग अलग टाइम पे सारे पाइप खोले गए हैं। सबसे पहले 8 बजे पाइप ए खोला गया, यानी कि पहला पाइप जो है वो 8 बजे खोला गया है। तो यहाँ से क्या है, 8 से 9 ये अकेला चलेगा, तो 8 से 9 कितना भरेगा, 4 यूनिट पानी भरेगा, ये हमने एक तरफ लिख लिया। फिर 9 बजे दूसरा पाइप भी खोल दिया जाता है, तो दूसरे पाइप खोलने का मतलब ये है कि ये भी चल रहा है और ये भी खुल जाएगा। तो 9 से फिर कितने बजे खुलेगा नेक्स्ट, 11 बजे, तो 9 से 11 कितने हो गए, 2 घंटे। तो ये दोनों 2 घंटे चलेंगे तो कितना पानी भर देंगे, 4 और 5 9, एक घंटे में ये 9 यूनिट पानी भरते हैं, तो 2 घंटे में कितना भर देंगे, 18 यूनिट। 9 × 2 करेंगे तो 18 यूनिट पानी ये दोनों मिलके भर देंगे, ठीक है। तो कितना पानी भर चुका है अभी तक 22 यूनिट पानी भर चुका है। अभी तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है, 11 बजे तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है, और इसके खुलते पानी भरना बंद, पानी नहीं भरेगा अब तो पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का प्लस करके कितना हो रहा है, 9 यूनिट पानी इसमें डालते हैं और ये अकेला ही 15 यूनिट पानी निकाल देता है। इसका मतलब भरने की बजाय 6 यूनिट हर एक घंटे में पानी निकल रहा है, समझे आप इस बात को। ये केवल 9 यूनिट पानी डाल पाते हैं टैंक में, और ये अकेला 15 यूनिट पानी निकाल देता है। तो इसका मतलब जो अभी तक 22 यूनिट पानी भरा था उससे ऊपर नहीं बढ़ पाएगा, उसमें से ही कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब 6 यूनिट पानी हर एक घंटे में निकलेगा तो ये 22 यूनिट पानी कितनी देर में खाली हो जाएगा, बस यही आपको बताना है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 22 को 6 से डिवाइड कर दीजिए तो कितनी बार जाएगा, 6 3 टाइम तो पूरा कंप्लीट चल जाएगा, ठीक है। तो 36 18, तो 18 तो मतलब 3 बार कंप्लीट चला गया, और बचा कितना आपका, 4/6, इसको कट कर लीजिए, 2/3 हो जाएगा। और 2/3 को भी मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, कैसे करते हैं मिनट में कन्वर्ट, 2/3 की मल्टीप्लाई 60 में कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 40 मिनट। यानी कि 3 घंटे 40 मिनट लगेंगे इसको खाली होने में, 22 यूनिट पानी को खाली होने में 3 घंटे 40 मिनट लगेंगे। और उन्होंने पूछा कितने बजे खाली होगा, तो कितने बजे हो जाएगा भाई, 11 से 12, 12 से 1 और 1 से 2, तो 2:40 पे ये टैंक खाली होगा, समझे आप इस बात को। 11 से आगे 3 घंटे देख लीजिए, 11 से 12 आएगा, फिर 12 से आएगा आपका 1, और 1 के बाद आएगा आपका 2, तो 1, 2, 3 घंटे हो गए, फिर आपके 2 घंटे यानी कि 2:40 पे, 2:40 PM पे ये टैंक खाली हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत सारे क्वेश्चन आप इस तरीके कर लेंगे इस क्वेश्चन को समझने के बाद, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन आपका इस तरीके का भी आ जाता है, यानी कि जैसे 99 का स्क्वायर बताइए, 999 का स्क्वायर बताइए, 4×9 का स्क्वायर बताइए, अगर आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। और अभी एक क्वेश्चन आया भी था, एक क्वेश्चन अभी ALP टेक्नीशियन का भी जो एग्जाम हुआ है मैंने देखा है, उसमें एक क्वेश्चन इस तरीके का आया था। तो आपको कैसे करना है, बस 1 सेकंड लगेगी, सीख लीजिए, आराम से कर लेंगे। 2nd का क्वेश्चन है, 99 का स्क्वायर पूछा है, 99 में आपको क्या करना है, 1 कम लिख देना है, बस क्या लिखना है, 1 कम 98, और जितने 9 हो उससे 1 कम 0, और लास्ट में 1 लिखना है, लास्ट में 1 तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। देखिए जितना भी ये 98 लिखा है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 9 तो लिखना ही है, उसमें से लास्ट वाले में से 1 माइनस करके 1 लिख लीजिए, 8, और जितने भी 9 होंगे उससे 1 कम लिखनी है आपको यहाँ पे, 0, तो 2 9 है तो इसका 1 कम हो जाएगा, 1 0, और लास्ट में 1 लिखना ही लिखना है। अभी देखिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर 999 का स्क्वायर पूछा जाए तो 3 बार 9 है, 2 9 तो आपको वैसे लिखना है, लास्ट वाले 9 में से 1 माइनस करके लिखना है, 8, ठीक है, और जितने 9 है उतने में से 1 कम करके उतनी 0, तो 3 9 है तो 2 0 लिखिए और लास्ट में 1 लिख दीजिए। 4 9 है, 4 9 में 3 9 वैसे लिखिए, 1 9 में से 1 माइनस करके 8 लिखिए, फिर 4 9 है तो 3 0 लिखिए और लास्ट में 1 लिख दीजिए। 1-2 बार देखिएगा वीडियो को, आराम से कर लेंगे, कोई भी जो टेंशन वाली जो बात नहीं इसमें। 2 2 4 5 है, 5 में 4 9 तो वैसे लिख दीजिए, फिर 1 9 में 1 माइनस करके लिखिए, 8 आ जाएगा, और ये कितने 9 है, 5, तो 4 0 लिखिए और लास्ट में 1। ये देखिए 2 2 4 6 है, 6 में आपको 5 9 तो वैसे लिखने हैं, 2 2 4 5 तो 9 है वैसे लिखने हैं, 1 9 में 1 माइनस करके लिखना है, 8, और जितने 6 9 है तो आपको 5 0 लिखने हैं, 2 2 4 1 5 और लास्ट में 1 वैसे।
तो इस तरीके से आप कर लेंगे ना, बहुत आसान है। कई बार क्वेश्चन बहुत बार पूछ ले जाते हैं, क्योंकि इन चीज़ों की होती है ट्रिक। जिसको पता होता है वो सेकंड में कर लेता है, जिसको नहीं पता होता वो छोड़ के आता है। आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगर इस तरीके से आपको एडिंग के लिए दे दिया जाए क्वेश्चन में, तो ये भी बहुत आसान होता है ऐड करना। इसको ऐसे नहीं करेंगे कि आप इसको ऊपर नीचे लिखेंगे और बहुत टाइम लगाएंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, अगर इस तरीके से सीरीज होगी, समझिए पहले, 1 6 है, 6 6 है, 6 6 है, 4 6 है और 5 6 है। आपको क्या करना है, 1 6 बाहर लिखिए, और जितने बार भी ये 6 लिखा है, 1 बार 1 2 बार 2 3 4 5 इस तरीके से लिख लिया आपने। बहुत आसान है, कोई हार्ड चीज़ नहीं। अब आपको क्या करना है, इधर से इसकी मल्टीप्लाई करनी स्टार्ट करिए। 6 5 30 30 की 0 हासिल लघु 3, ठीक है। 6 4 24 24 और 3 27 27 का 7 का हासिल लघु 2, ठीक है। 6 3 18 18 और 2 20 20 की 0 हासिल लघु 2, ठीक है। 6 2 12 12 और 2 14 14 का 4 का हासिल लघु 1। 6 1 6 और 1 7, तो कितना आसान और कितना जल्दी आपने कर लिया, यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगर आपको ये सीरीज रेगुलर नहीं होती है, यानी कि देखिए 1 4 है 2 4 है 3 4 है फिर 3 4 है, दो बार दे दिया 3 4 3 4, तो यहाँ पे 4 4 है और 5 बार 4 है। तो आपको क्या करना है, जो रेगुलर है उनको तो बिल्कुल वैसे ही करिए, और जो 2 बार रिपीट हो रहा है उसको बाहर करके अलग से प्लस कर लीजिएगा बाद में, ठीक है। तो देखिए इसको भी, 4 आपने लिखा, 1 2, ठीक है, 3, और ये 3 एक बार है, इसको हमने बाहर लिख लिया, ये 4 5 इस तरीके से लिखा। तो यहाँ क्या होगा, 4 5 20 0 लग गया 2 आपका, ठीक है। 4 4 16 और 2 18 18 का 8 का हासिल लघु 1, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12 12 और 1 13 का 3 का हासिल लघु 1, और 4 2 8 और 1 9 ये हो जाएगा, और 4 1 4 ये हो गया आपका। और इसमें करिएगा, ये हो जाएगा 49,380 में 444 प्लस करेंगे तो आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है पॉइंट वाले में। पॉइंट में आपको थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाना है, और बाद में आपको वो पॉइंट लगा देना है, ठीक है। यानी कि जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे, 1 2 2 2 3 2 4 2 और 5 2 बिल्कुल वैसे करेंगे बाद में। बहुत ही आसान है, कर लेंगे आप इसको, करके बताइएगा। आसान लगा होगा तो इजीली आप लाइक भी करिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लगी आपको ट्रिक। और बाद में एक पॉइंट लगा देना ये मत भूलिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, इसको ट्राई करिएगा, इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे बाद में इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद में। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी अच्छे से, ठीक है। इस तरीके अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में तो आप इजीली कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका ये, 6 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 6:5 है। ये ट्रिक से मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे इक्वेशन टाइप से तो मैंने आपको कई बार बताया है, एक ये ट्रिक भी होती है, इसको भी जान लीजिए। अच्छी लगे तो इसको अप्लाई करिएगा, अदरवाइज जैसे मैं पहले आपको कराता हूँ वैसे भी आप कर सकते हैं। 6 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 6:5 है, तो ए और बी की आयु का अनुपात कितना, 6 और 5 हो जाएगा, ठीक है। एवं 4 वर्ष बाद अनुपात 11 और 10 हो जाता है। देखिए 6 वर्ष पहले मैंने यहाँ पे लिख लिया था -6, और 4 वर्ष बाद, यानी कि प्रेजेंट की एज यहाँ है भाई बीच में, इससे 6 वर्ष पहले का रेशो दे दिया और 4 वर्ष बाद का दे दिया 11 और 10, ठीक है। तो बी की वर्तमान आयु पूछी है, रेलवे 2009 में ये क्वेश्चन आ चुका है। कैसे करना है, सबसे पहले देख लीजिए इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है दोनों का, तो बहुत अच्छी बात है। अगर डिफरेंस सेम नहीं होता है तो सबसे पहले वो डिफरेंस सेम करना पड़ता है, वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। अगर इनका डिफरेंस सेम निकल जाता है तो समझिए क्वेश्चन आपका हो चुका है। 5 बराबर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए प्रेजेंट में आप खड़े हैं यहाँ पे कहीं बीच में, और उससे 6 वर्ष पहले की आपको एज पता है और 4 वर्ष बाद की एज का रेशियो पता है, एज नहीं पता एक्चुअल में, एज का रेशियो पता है। तो यहाँ से 6 वर्ष पहले की, अगर मैं 6 वर्ष को पीछे हटा के लाऊंगा तो 6 वर्ष पीछे आएगा, तो ये तो हो गया आपका यहाँ पे आने में 6 वर्ष। फिर इसको भी मैं पीछे हटाऊंगा तो ये कितना होगा, 4, तो 6 और 4 कितना हो गया, 10। अब ये पूरा बीच का डिफरेंस कितना है, 10 वर्ष का, और एक्चुअल में रेशियो में केवल 5 वर्ष का है, तो 5 बराबर 10 हो जाएगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। पूछा क्या गया, बी की वर्तमान आयु क्या है, तो बी की वर्तमान आयु आप कुछ भी कर लीजिए, या तो इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 प्लस कर लेंगे, और इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो आप 4 माइनस कर दीजिएगा। तो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 आ गई है आपकी, तो यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 20, ये कब की आई है, 4 वर्ष बाद की जाइए,
20, ठीक है, क्योंकि इस रेशो में मैंने मल्टीप्लाई किया बी की, तो यहाँ से चार माइनस कर लेंगे तो कितना आ गया, चार माइनस करेंगे तो 16 ईयर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस नए सीखने को मिले होंगे, और इसी तरीके से आप प्रिपरेशन करते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए, बहुत कम टाइम है आपके पास, और जितनी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ इनको देखते रहिए, रिपीट करते रहिए बार बार, प्लेलिस्ट सब कुछ बना दी है, PDF मैं टेलीग्राम में अपलोड कर रहा हूँ हर बार, वहाँ से जाके आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से उनको पढ़ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।